तो ये देखिए, निया ने मेहंदी लगाया है और ऑफिस से मैं घर आ गई। ये राखी आया है नव के लिए बेंगलोर से, यानी बड़े भैया के यहाँ से मोही ने भेजा है नव के लिए। हाँ, क्योंकि लड़के को राखी बांधी जाती है ना, तो तुम भी राखी बांधोगी ना नव को। कल इबू के लिए लेके गई, आज नव के लिए आया है, तो बहने बांधती है ना। लड़की का आएगा। मैं खरीद दूंगी तुम्हारा। इसमें राखी, जो राखी के दिन खुलेगी, अभी रख लेती हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस और मम्मी के घर पे। कल हम यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली टू दुबई। मुझे दुबई जाना है क्योंकि मेरे डॉलर। मम्मी के यहाँ आ गए हम लोग और निया को फीवर हो गया है। अभी हमें कल निकलना है और निया को फीवर, अभी क्या करेंगे पता नहीं। निया क्या बोल रही है? निया नानी को बोली कि नानी मेरे घर क्यों नहीं आते। तो निया नानी तभी आएगी जब निया खूब मन लगा के पढ़ेगी, बहुत तो पढ़ेगी। नानी का दुआ है, नाना जी का भी दुआ है, क्या होगा, आशीर्वाद रहेगा निया के लिए, नाथ के लिए, इंदू के लिए। तब नानी अब खूब मन लगा के पढ़ना बेटा। नानी रहेगी तो आएगी निया का फ्लैट में। सो गाइज, अभी हम लोग ऑफिस में आए हुए हैं और ये हमारे YouTube फैमिली से हमारी एक फैमिली मेम्बर जो कि US में रहती है, अनुपम जी, वो आई हैं मिलने के लिए। इनसे काफ़ी दिनों से चैट हो रही थी बट आज हम मिल पाए हैं। और इनके साथ इनकी कज़न भी आई है, तो अनिमेश उनसे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने खाने पीने के लिए कुछ कुछ मंगाया है, मतलब अनुपम जी सिर्फ वेज खाती हैं और उनकी कज़न लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खा रही हैं, तो उनके लिए बिस्किट मंगाऊंगी अभी। और ये चिल्ली पनीर स्प्रिंग रोल और कुल्हड़ वाली चाय वगैरह सब मंगाया है। और इतना सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ ना कि समझ नहीं आया क्या करूँ। तो अभी उन लोगों को बिठाया है अनिमेश के साथ और मैं सृष्टि के साथ निकल गई हूँ उनके लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए। देखती हूँ क्या कुछ मिलता है। रोड की हालत देखिए, जल्दी से हम आए हैं इनको बिठा कर, जल्दी से लेंगे सामान कुछ जाएंगे। और तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसी समय से कुछ ले लेती हूँ। तो ये एक बॉक्स तैयार किया, ये ब्रेसलेट रिंग और इयररिंग, और ये अनुपम जी के लिए एक बॉक्स तैयार किया, इयररिंग रिंग और ये ब्रेसलेट। अभी सृष्टि थी तो सृष्टि की वजह से मैं जा पाई टावर, यहाँ का मार्केट टावर पे लगता है और जल्दी से जाके कुछ लेके आ पाई। सृष्टि नहीं रहती तो पॉसिबल नहीं होता जल्दी से जाना और आना। हो गया, अभी आपको बताती हूँ घर जाके क्या कैसे हुआ। वापस जाने का टाइम, विदाई का टाइम। बहुत बारिश हो रही है और अब हम लोग जा रहे हैं। हम लोग घर आ गए हैं और ये नवनिया के टॉयज अनुपम जी लेके आई हैं, जो हमसे मिलने ऑफिस पे आई थी। USA में रहती हैं वो, मैं आपको डिटेल में भी बताती हूँ। और आज उनसे मिल पाना हुआ तो वो निया के लिए, नव के लिए टॉयज लेके आई, मेरे लिए भी कुछ लेके आई, मैं आपको दिखाती हूँ। वो हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा है, तो देखिए निया के लिए कितना क्यूट टॉय लेके आई है, बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है ये नव के लिए। उनको पता था कि नव को गाड़ी पसंद है, तो देखिए नव के लिए कितनी सुंदर गाड़ी लेके आई है। और निया के लिए बहुत ही प्यारी सी डॉल, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग इतना प्यार करते हो कि हमारी पसंद नापसंद का भी आपको पता है कि नव को गाड़ी पसंद है, निया को ये टॉय पसंद है, मतलब डॉल्स वगैरह पसंद है। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये देख के। और ये देखिए सब कुछ मेरे लिए लेके आई है, ये हेयर क्लिप, ये इयर रिंग्स और ये बैंगल्स का सेट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है ये, बहुत प्यारा है। तो जो सारी चीज़ें मुझे पसंद है बिल्कुल वही सब लेके आई है, इयर रिंग्स, हेयर क्लिप, ये क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिल से बहुत खुशी होती है, कितना प्यार करते हैं लोग।
और गाइज ये इयर रिंग मेरे लिए सृष्टि लेके आई थी, तो मम्मी के यहाँ वो लेके आई थी तो उसने मुझे दिया है ये। ये भी बहुत सुंदर है, जैसा मैंने उनके लिए खरीदा ना उसी से मिलता जुलता डिज़ाइन है, बट ये झुमका है बहुत ही सुंदर है ये। और इस इनवेलप में उसने शगन के पैसे दिए निया के लिए राखी के, क्योंकि राखी में रहेगी नहीं निया यहाँ, तो निया के लिए उसने दे दिया पैसे कि कुछ खरीद देना। और ये तुम्हारा और ये मेरे लिए, और ये अनुपम जी लेके आई थी बैंगल से, अंदर रख दिया मैंने। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हमें निकलना है, ये सुबह की चाय और ये कुछ कुछ सामान है। एक दीदी आई थी मतलब अनिमेश की कज़न जो बगल में रहती हैं, तो वो लेके आई। इसमें राखी है नव के लिए और अनिमेश के लिए, बाकी ये कुछ कुछ सामान है मेरे लिए भी, इसमें लैटी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तभी जो स्टार्टिंग में आपने क्लिप्स देखा वो कल के थे। कल हम लोग गए थे ऑफिस और मम्मी से मिलने, जो कि आज हम निकल रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से हम दुबई जाएंगे। तो कल हमारे YouTube फैमिली की एक मेंबर अनुपम जी हमसे मिलने आई थी। वो US में रहती हैं बट अभी छुट्टियों में आई हुई है, यहाँ उनका होम टाउन है। तो उन्होंने मैसेज किया हुआ था, फिर हमारी फेसबुक पे बात हुई, फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, तो बात हुई थी कि मिलना है। बट इस बीच में इतना कुछ हो गया ना, हमने प्लान कुछ और किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ और प्लान था, घर पर कुछ करेंगे तो बुलाएंगे, बट वो सब हो नहीं पाया, सब उथल पुथल हो गया। जब अनिमेश आए थे तब हमारा प्लान था कि हम लोग मिलेंगे, बट आने के बाद अनिमेश भी बिजी हो गया, फिर हम पटना चले गए, फिर बारिश भी बहुत हो रही थी, फिर बहुत कुछ हो गया तो मिल नहीं पाए। तो फिर जब हमारे जाने का भी हो गया कि आज जाना है, तो फिर मैंने कल उनको मैसेज किया कि मैं मम्मी से मिलने जा रही हूँ, तो ऑफिस भी जाऊँगी, तो ऑफिस में हम लोग मिल लेते। तो फिर वो आए, बहुत अच्छा लगा। तो उनसे मिलने का वही, जैसा कि मैंने बोला कि पहले प्लान कुछ और था कि घर पे अगर हम कुछ करते हैं तो बुलाएंगे, और प्लान भी ऐसा ही था कि 21st को हमारे यहाँ कुछ होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि हम लोग पटना में थे, तो हो नहीं पाया। तो वो सारी चीज़ें रह गई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कब होता है। तो वो भी अभी US चली जाएंगी इसी मंथ में, तो यही था कि अभी मिल लेते हैं। तो मिले हम, उन्होंने बहुत प्यार से कुछ लाया हमारे लिए, बहुत पसंद आया, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनके लिए क्या लूँ, क्योंकि ऐसे दरभंगा में भी तुरंत में, मतलब यहाँ मेरे घर से मम्मी के घर तक में ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि मैं मतलब लूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैं जल्दी से गई, सृष्टि आई हुई थी, अच्छा हुआ सृष्टि थी, मैं जल्दी से उसके साथ चली गई मार्केट, और जो समझ में आया मैंने लिया। आई होप उनको पसंद आए, बस यही है। बहुत अच्छा लगा, मतलब हम लोग हमारे होम टाउन में मिले, जो यूट्यूब पे हमें देखती है US से, उनसे मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उनको भी बहुत खुशी हुई हम सबसे मिलके, उन्होंने बताया, वो अपनी कज़न के साथ आई हुई थी, उनकी कज़न भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मतलब मायके से भी विदाई हो गई, कल हम लोग मिलके आ गए हैं, आज ससुराल से जा रही हूँ वापस, यही है बस। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मुलाकात होगी दरभंगा में। PPSC की एग्ज़ाम चल रही है, 2 से 3 दिनों तक चलेगी, तो कल भी पूरा जैम था, 3-4 घंटे तक रोड, आज भी जैम है, तो इसलिए हम घर से बहुत पहले निकल गए हैं, लेकिन फिर भी जैम है। अभी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। एक
एयरपोर्ट जाने के लिए हम घर से काफ़ी जल्दी निकल गए थे क्योंकि जाम का डर था हमें, तो थोड़ा सा जाम मिला हमें बट फिर हम आसानी से निकल गए उस जाम से। तो टाइम अभी काफ़ी बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम एयरपोर्ट से पहले एक रेस्टोरेंट में रुक गए हैं, चाय वगैरह पियेंगे, बच्चे थोड़ा कुछ खाएँगे, फिर हम लोग एयरपोर्ट जाएँगे। सिक्योरिटी चेक इन वगैरह के बाद तो हम लोग आके बैठ गए, मतलब मैं और निया, हम दोनों। लड़कों वाले लाइन में बहुत भीड़ थी, जेंट्स वाले लाइन में बहुत भीड़ थी, तो अनिमेश और नब वहीं पे, अभी बहुत टाइम लगेगा उनको, हम लोग आके बैठ गए। और बहुत बारिश हो रही है बाहर, नब भी आ गया, और नब के बाल देखिए कैसे हो गए, वहाँ जाके कट करवाना पड़ेगा। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे जाकर। अनिमेश चिप्स लेके आए निया के लिए, मेरे लिए, उधर अनिमेश और नब खा रहे हैं। ये छोटी सी गुड़िया बड़ी हो गई है, भागती आगे आगे। तो हमारा सामान शायद आ चुका है, बेल्ट पे घूम रहा है, तो अनिमेश गए लाने, मैं नवनिया के पास में हूँ। ये देखिए गाइस, ये हमारा ये वाला बैग जो हमने अभी थोड़े दिन पहले ही ख़रीदा था, अभी आया है, और ये भी यहाँ से डैमेज है, जहाँ से वो पिंक वाला डैमेज हुआ था तो उसको हमने छोड़ा, एक नया बैग ख़रीदा वो, और अभी इस ट्रैवल में ये वाला यहाँ से डैमेज हो गया। हम यहाँ पे बैगेज इंक्वायरीज पे आए हैं, देखते हैं, उनको बताते हैं क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार जब टूटा था तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताया था कि एयरपोर्ट पर बोलना चाहिए था, और मैंने पढ़ा भी था कि अगर हम उसी टाइम एयरपोर्ट पे बोलते तो कुछ हो सकता है, अगर हम एक बार एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से चले जाते तब कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी देखते हैं इनको बोल के कुछ होता है कि नहीं। तो वहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह वो फिल कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हम टैक्सी लेने के लिए आ गए हैं, और वहाँ पे हमने सारे डिटेल्स वगैरह दे दिए, वो 24 आवर्स के अंदर कॉल करेंगे, देखते हैं क्या होता है। टैक्सी बुक कर लिया, अभी हम यहाँ से होटल जाएंगे। आ गए हम होटल, तो ये है हमारे होटल का रूम, ये एक बेडरूम, साथ में यहाँ पे सोफ़ा लगी हुई है टू सीटर, और ये एक दूसरा रूम है। हमने इस तरह का रूम बुक किया है जिसमें दो रूम है, और ये वॉशरूम, तो यही है होटल का रूम, ये एक रूम, और ये वार्डरोब जिसमें कुछ भी नहीं है,
ये यहाँ पे टी कॉफी यूनिट वगैरह है, बाकी बालकनी वगैरह मैंने देखा नहीं है, कल सुबह देखूंगी। सो गाइज, हम पहुंच गए होटल और बहुत थक गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुबह निकले हैं, तो सुबह से उठे हुए काफी जल्दी उठे, और जिस दिन जर्नी करनी होती है ना, तो उस दिन नींद भी नहीं आती है मुझे ढंग से। बस सुबह जाना है, इस कारण से अच्छे से नींद भी नहीं आती है, तो सोई भी नहीं हूँ ढंग से। और ये जो हो गया, हमारा लगेज टूट गया है, तो वहां पे हमने सारा, मतलब अनिमेश तो वहां भी बोल रहे थे छोड़ दो छोड़ दो, चलो चलते हैं। उनको ना बहुत वो लगता है कि बात करने। मैंने बोला नहीं, पिंक वाला बैग टूटा, ये भी टूटा है फिर अभी, और उसी जगह से, सेम जगह से टूटा, वो उठा के रखने में शायद तोड़ते हैं जैसे भी टूटा वो। तो मैंने बोला इस बार नहीं, एक बार बात करती हूँ। तो बात किया, उन्होंने पिक्चर्स लिया है और एक फॉर्म वगैरह फिल करके हमें एक रिसीविंग दे दिया है। देखते हैं, उन्होंने बोला 24 आवर्स के अंदर कॉल आएगा, देखते हैं क्या होता है, जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पेंट करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर आराम करूंगी, देखती हूँ क्या कैसे होता है, आगे आपके साथ तो शेयर करूंगी जो होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।